वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी लोग मस्त हो गए यार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, अभी हम लोग उठे हैं। पापा कितना बज रहा है भाई? टाइम हो रहा है, वेट दो सेकेंड, 7:49 यानी 7:50। तो यार 7:50 पे हम लोग सब लोग रेडी हो गए, अब निकल रहे हैं हम लोग। देन पापा कहाँ के लिए? अभी तो यही है लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ में भी काम है। एक जगह और अभी जाना है प्लॉट देखने, और फिर उसके बाद एक चीज और है, वो पापा जाएंगे और देखो शायद मैं भी जाऊँ। और दूसरी चीज, मुझे भी जूते खरीदने हैं भाई। मैं अपने जूते ना शूज ना कानपुर में भूल गया हूँ, और भाई मुझे शूज चाहिए क्योंकि मैं स्लीपर पहने पहने ना थक गया, तो मुझे अब चाहिए शूज। देखते हैं अभी नाइकी या जॉर्डन के भाई कोई शोरूम में जाएंगे तो भाई शूज खरीदेंगे। और भाई गाड़ी की कंडीशन देखो इस टाइम क्या हो रखी है भाई, फुल गंदी हो रखी है भाई, पूरी गंदी। तो भाई कल के व्लॉग में जैसे कि आपने देखा था कि भाई काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुकी थी मेरे को, लेकिन भाई अब थोड़ा रिलैक्स है क्योंकि भाई तारे अगर एक बार आप सो लो ना तो थकावट दूर हो जाती है। और कल रात में मैं काफ़ी जल्दी सो गया था, लमसम 11:30 बजे मैं लेट गया था तो मैं सो गया था, तो भाई इससे मुझे काफ़ी रिलैक्स मिला और मेरी नींद भी पूरी हो गई। तो भाई अब बस निकलने के लिए हम लोग रेडी हैं, बस एक अंकल आ रहे हैं उनका वेट हो रहा है, देन तुरंत हम लोग निकलते हैं। सो फाइनली अभी हम लोग कैंटीन में नाश्ता वास्ता करेंगे, देन उसके बाद फिर यहाँ से। अरे भाई ये मेरे डॉट्स जा रहा है, लाइट का पड़ रहा है, तो लाइट लगी ना इसकी वजह से। तो कैंटीन में यहाँ पे नाश्ता वास्ता करेंगे, देन फिर यहाँ से निकलते हैं। पापा के काम है वो निपटाएंगे, फिर लेट होता जाएगा ना, तो फिर टाइम ही लेट होगा। अभी बस जल्दी जल्दी नाश्ता कर लें कुछ, देन फिर बाहर कुछ खाने चल के, अभी तो कुछ ऐसे बस खा लें। आज का डे ना पूरा भाई फुल डे रश हो रहेगा और पूरे दिन भाई ड्राइविंग रहेगी, क्योंकि भाई आज 400 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करनी है अयोध्या देन नगर। तो भाई आज का सीन है, क्या है नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा भवन चिल्ड्रन पार्क। और भाई मुझे तो आ रही बहुत थे नींद भाई, और अभी तो भाई बस हम पहुंचे भी नहीं, जा रहे हैं लखनऊ में। पापा ड्राइव करने में मैं तो भाई आराम से घर बैठा हूँ अपना, थोड़ी देर रिलैक्स करके देन फिर जब ये काम हो जाएगा तब यहाँ से निकलेंगे, तब मैं ड्राइव करूँगा, फिर पापा को इधर कर दूँगा। क्योंकि भाई हर जगह फ्रूट्स की मंडी लगी है, पूरी मार्केट है फ्रूट्स का, चप्पल अप्पल टंगी है। गाइस यार ये हम लोग आ चुके हैं प्लॉट पे, तो भाई ये पीछे पूरी फैक्ट्री है भाई, ये देखो मतलब लकड़ी के मतलब कागज वागज के जो नहीं होते हैं इसकी पूरी फैक्ट्री है। और देन हम लोग चल रहे हैं बस प्लॉट की तरफ, अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, पापा लोग जस्ट सामने चल रहे हैं भाई। प्लॉट 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 हो गया है भाई, ज़्यादा ज़मीनें मत खरीदो। ये पूरा सामने पूरे में है ये भाई, हाथ से बता रहा है ये सामने वाला पूरा, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, और एक वो सामने है वो रहा, वो देखो अपने पीछे, ये देखो फैक्ट्री है ये बड़ी सी बहुत बड़ी फैक्ट्री है भाई। और इसी के जस्ट मतलब सड़क पे जैसे ही मतलब यहाँ से 100 मीटर पे ही सड़क है, और पीछे जस्ट एक्सप्रेस वे वहीं से निकला है। सही है भाई, जो भी है सही है। और भाई फिलहाल तो मैं थक गया हूँ भाई, थक क्या गया भाई, मेरी आंखों में नींद भरी है भाई, जो आज साफ है, मैं गाड़ी में बैठे बैठे बस सो ही रहा था। गाइस यार गाड़ी में सीएनजी ख़त्म हो गई है, और तो भाई यहाँ पे आए हैं भाई पेट्रोल पंप पे, तो यहाँ सीएनजी डलवाते हैं भाई, देन फिर निकलते हैं यहाँ से जहाँ पे मतलब अब हम लोग मतलब सामान मतलब एक पापा ने मंगवाया था, और मेन चीज़ अभी गाड़ी के लिए मतलब एक दूसरा हूटर लेंगे, क्योंकि ये वाला हूटर इतनी तेज़ आवाज़ नहीं कर रहा है, तो बड़ा वाला हूटर पापा बोल रहे अभी लगवाने के लिए,
तो अभी फिर चलते हैं, थोड़ी शॉप खुल जाए क्योंकि अभी तो टाइम नहीं हुआ है, तो अभी शॉप नहीं खुली होंगी, तो अभी चलेंगे फिर शॉप पे, ऊटर ले लेंगे, अभी नहीं लगवाएंगे क्योंकि अभी समय नहीं है, तो ले लिया जाएगा जब कहीं समय मिलेगा तो उसको लगवा लेंगे, अदरवाइज वरना तो फिर मैं अकेले चला जाऊंगा लगवाने, पापा अपना काम वाम करवा लेंगे तो मैं जाके लगवा लूंगा, क्योंकि भाई बिना स्कूटर के ना भाई ये नई वाली गाड़ी में नहीं लगा था, पुरानी इसमें मतलब लगा था बट वो हटवा दिया था, उसकी आवाज़ कम थी, पुरानी वाली गाड़ी में लगा है तो भाई इसमें लगवाएंगे बड़ा वाला अहूजा का जो बड़ा स्कूटर होता है, तो भाई वो ज़रूरी है क्योंकि यार इतना ट्रैफिक है ना, बिना सायरन के कुछ नहीं होगा। लग चुकी है भाई और सीएनजी का टाइम डल्ला डल लगी है, तो भाई जल्दी से फुल करा लें क्योंकि भाई अब चलना है, तो भाई फिर बार बार रुकेंगे नहीं। मुझे तो भाई भूख लग गई थी, मैंने पापा से बोला मुझे भूख लगी है भाई, मुझे कुछ ऐसा खाना है ना कि थोड़ा हेल्दी, तो भाई मैंने अपने लिए ऑमलेट और बनवा लिया है। भाई पापा गए हैं सामने इधर, ये रेड डोमिनोज, इसमें पता नहीं क्या खाने गए, अपना गार्लिक गार्लिक ब्रेड जो भी मैंने अपना खाया, और मैं तो ऑमलेट खाऊंगा भाई क्योंकि मुझे भाई हेल्दी खाना है ना, अगर हेल्दी नहीं खाऊंगा ना तो भाई फिर डाउन पड़ जाऊंगा, मुझे डाउन नहीं पड़ना है भाई, तो यार मैं जल्दी से अपना फिनिश कर लूँ वरना ठंडा हो जाएगा यार। गाइस यार अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे, पीएसी में पापा भी गए और अपना काम वाम हो गया उनका, अब निकल रहे हैं हम लोग कहाँ, गोंडा टू बलराम, पहले यहाँ से गोंडा फिर देन बलरामपुर वहाँ से जाएंगे, और वहाँ पे भी कम से कम दो ढाई तीन घंटा लगेगा, देन उसके बाद हम लोग निकलेंगे अयोध्या। पापा मंदिर चलेंगे ना वहाँ नहीं जाएंगे अगर, हाँ क्योंकि अब लमसम वहाँ हम लोग पहुंच पाएंगे 10:11 11:30 हो जाएगा ना, अगर 11:30 बजे तक जाएंगे तो मंदिर का पता बंद भी हो जाता हो, लेकिन अगर बंद हो जाए तो बाहर से तो देख लेंगे ना, राम मंदिर ना, हाँ तो बाहर से देख लेंगे, क्या जरूरी है अंदर नहीं जा पाएंगे, तो लोकेशन तो देख लेंगे। पापा ये कौन सी नदी है, घाघरा नदी, ये देखिए पानी कितना भरा है, अयोध्या में जाके अब भरी कितनी ज्यादा तरीके से है, बहुत गहरी है भाई, ये देखो पूरी इतनी गहरी है, सबसे विकराल नदी हमको यही लगती है। ये कौन सी नदी है, घाघरा, घाघरा। अरे इधर देखिए पापा इधर कितनी भरी है, ये देखिए इधर कितनी सॉरी भरी है, अयोध्या में यही सरयू नदी है, इसी नदी के कई नाम है, कई नाम है इसके, पश्चिम में इसका और कुछ नाम है। यार पापा लोग और सब अभी मैं अभी हम लोग अंदर गए थे, मीटिंग हो रही थी पापा की, उनसे मतलब मिले थे, और ये सामने बंगला है और इसमें अभी गए थे हम लोग, तो भाई मैं अंदर वीडियो नहीं शूट कर पाया, बट मैंने मतलब मेरा फोन मतलब मैं बैठ के आराम से वीडियो बना रहा था, अंकल कर क्या कर रहे हैं, मैंने तो व्लॉग में ले रहे हो ऐसे बोलने लगे भाई, मतलब मस्त इंसान है भाई अंकल। तो यार बस अब हम लोग निकल रहे हैं घर से, देन बस आगे आगे अंकल चलेंगे, अपन चल पीछे हम लोग, नहीं नहीं उस तरफ चलना है, सामने चल तो रहे हैं अंकल। पापा ये कौन है, आ रही भाई आगे आगे चल रहे हैं अंकल, अपन इनकी गाड़ियों में भी पुलिस वाली लगी है ना बत्ती, हाँ सही है भाई, जा रहे हैं हम लोग पुलिस लाइन, वहाँ पे थोड़ा काम है, देन फिर वहाँ से अयोध्या निकलेंगे भाई, अब तो रात हो गई बट देखेंगे होगा भाई तो मंदिर जाएंगे, वरना तो फिर नहीं हो पाएगा यार, आज पुलिस लाइन आ चुके हैं प्रशासनिक भवन, तो बस यहाँ पापा को थोड़ी देर का काम है 2-3 मिनट का, देन फिर यहाँ से निकलते हैं फिर अयोध्या के लिए, क्योंकि भाई फिर वहाँ भी रात हो रही है यार। सो गाइस अपना काम यहाँ पे हो चुका है फिनिश, मतलब यहाँ के मतलब एक अंकल और थे मतलब सीओ, वो उनसे वो आए थे, तो उन पापा ने कहा चलो उनसे भी मिल लेते, तो यहाँ पे बैठे फिर उनसे भी मिल लिया यार, क्योंकि फिर अभी तो हम लोग गए थे एसपी मतलब एसएसपी सिटी उनके सीधे घर, क्योंकि घर ही पे सीधे जाते हैं भाई, ऑफिस पापा नहीं सीधे घर ही पे वो बुलाते हैं, तो उनसे मिला, फिर तब तक सीओ साहब का फ़ोन आ गया कि भाई कहाँ हैं आप, तो पापा ने कहा यहीं पे हैं इनके बंगले पे, उन्होंने कहा ठीक है हम भी आ रहे हैं, तो पापा ने कहा चलो अब यहाँ तक आएँ तो उनसे भी मिल लें, तो सब कुछ काम हो गया, अब निकल रहे हैं हम लोग अयोध्या के लिए। भाई मैं दिख रहा हूँ क्या, अब दिखाऊँ ना, बस फाइनली हम लोग बाईपास पे, हम लोग ये हम लोग आ गए अयोध्या बाईपास, यूटर्न इधर, ये हम लोग अयोध्या के अंदर एंटर हो गए भाई,
इधर से नहीं है, गाइस हम लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं और भाई अभी मतलब राम वाम मंदिर अभी देखेंगे, बट वो भाई अंदर से तो दिखेगा नहीं, बाहर ही से देख पाएंगे, और क्योंकि 9 बज चुका है भाई, सारे मंदिर बंद हो चुके हैं। तो हम लोग अभी इस टाइम मार्केट एरिया में है, नया घाट एरिया इसका मतलब नाम है भाई। हर जगह देख रहे हो राम जी राम जी राम जी, पूरी पूरी फैमिली बनी हुई है उनकी भाई। सही है मार्केट, ये देखिए पीछे जस्ट घाट है वही वाली नदी, और भाई उसी के जस्ट हम लोग अभी आगे से मुड़ के आए। तो यार गाइस इस टाइम हम लोग हैं हनुमानगढ़ी में नहीं है, मतलब हनुमानगढ़ी वाले रूट पे हैं। देखो देख रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, कोई ठिकाना नहीं है और तो का ठिकाना नहीं भाई। हम लोग भारी बार बस निकले जा रहे हैं, भारी बार क्या है भाई, तो अंदर ही है। हम लोग अभी जा रहे हैं खाना खाने भाई, मतलब अयोध्या का मतलब बहुत ही फेमस है ये, मतलब चंद्रा नाम से है, चंद्रा भोजनालय बहुत ही फेमस है यहाँ, मतलब भाई इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, रश है भाई। फॉरनर आया भाई अपने लिए पनीर मंगाया और तंदूरी रोटी बस खाऊंगा, सुबह से भाई कुछ खाया नहीं, तो पनीर ही सही रहेगा। तो पापा अपने सेम चीज़ सब लोग यही खाएंगे भाई, इतनी भीड़ है ना, इतना रश है ना यार। और खाना वाना खा के ऑल सेट, और भाई जस्ट अब हम लोग आए हैं कुछ अपने लिए सामान लेने यार, क्योंकि अब अयोध्या आए और कुछ लेना भाई तो ऐसा तो हो नहीं सकता है भाई, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो मैं अपने लिए कड़ा ले रहा हूँ और पापा लोग अपने लिए धागा वागा ले रहे हैं हाथ में बांधने के लिए, मुझे तो भाई हाथ में कड़ा ही अच्छा लगता है, तो देखते हैं। हाँ ये मेरे साइज का है कि नहीं, चेक करता हूँ मैं, चेक कर लूँ यार भैया की शान माई, मतलब बंदर ना मिले तो फिर अधूरा है भाई, हर तरफ बंदर ही बंदर। और अपनी गाड़ी खड़ी है, अभी मैं दिखाता हूँ गाड़ी कहाँ खड़ी है। आओ ना, आओ मत आओ मत आओ मत आओ, मैंने बोला आओ तुरंत आने लगा भाई। अपनी गाड़ी वो खड़ी, देखी वो खड़ी, वो भाई ऐसी जगह पार करती ना पेट्रोल पंप पे, वो देख रहा था भाई पर उसने कुछ बोला नहीं, बोलता भी क्या। तो भाई मैंने अपने लिए कड़ा ले लिया है भाई, मेरा भाई बेस्ट है ना, मेरा फेवरेट है। सो गाइस यार मैंने अपना कड़ा वड़ा हर चीज लेके अब जा रहे हैं, खाना वाना खा के अब जा रहे हैं होटल में। पापा रुकोगे नहीं यहाँ, ए मतलब चलोगे नहीं यहाँ से भाई, आज रात यहीं स्टे करेंगे। तो अब कुछ थकान हो गई, चला मैं रहा हूँ थकान, इनको हो गई, आपको क्यों हो गई थकान भाई? जब मैं बोल रहा हूँ मैं कानपुर तक ले चलूंगा, मुझे कोई अच्छा अच्छा कल फिर पापा की अब लखनऊ में फिर अगेन मीटिंग है भाई, तो अब देखते हैं। तो भाई आज रात यहीं स्टे करेंगे अयोध्या में, जय राम जी। तो यार गाइस आज इसी में रुके थे आप लोग पिछली बार, तो पापा आए थे पिछली बार तो इसी में रुके थे, तो अब हम लोग भी इसी में रुकेंगे भाई। क्या नाम है इसका पता नहीं, जो भी हो भाई, लेकिन बेस्ट है, और जितने भी यहाँ हैं उससे तो बेस्ट ही है भाई, और बाकी तो बहुत दूर दूर है, ठीक है जैसा भी है जैसा क्या अच्छा ही है। लगा दे गाड़ी अंदर, अच्छा पता करने गए, वो पता करने गए अंकल एक। तो यार गाइस वहाँ तो यार रूम मिला नहीं भाई, वहाँ पूरा फुल है, तो अब आए इस वाले होटल में भाई। होटल का क्या नाम है, मैं बैक कर, श्री राम होटल भाई, यहाँ पे रूम मिल गया है, वो भी बड़ी मुश्किल से मिला। सबसे बड़ी दिक्कत हुई है पता क्या हुई है कि हाँ भाई उनको जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई है, वो दिक्कत ये हुई है कि भाई जो मेरा बैग था ना वो लखनऊ छूट गया है भाई, सबसे बड़ा इशू ये हो गया। अब भाई पापा ने फ़ोन किया लखनऊ में, मतलब कि वहाँ पे बैग छूटा, उन्होंने कहा कोई ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं कल आइए ले, लेकिन भाई मुझे कल भी फिर यही कपड़े पहनने पड़ेंगे यार, ऐसा कैसे भाई, पूरा मूड ख़राब हो गया यार भाई। रूम बुकिंग प्रोसेस चल रहा है। सो गाइस यार मैं होटल के अंदर आ चुका हूँ, मतलब रूम में, और आते ही आते मैं लेट गया भाई, मेरे ईयरबड्स भी चार्ज नहीं है अभी, और फ़ोन भी मेरा 10% बचा है यार। तो आज मतलब पूरा दिन, मतलब ये समझ लो आज ट्रैवलिंग में ही निकल गया भाई, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है भाई।
मुझे तो नींद आ रही भाई बहुत तेज, और भाई पता लेटा ना पैर एकदम मेरे ऐसे लग रहे हैं ना, ऐसे नहीं होता धुप धुप ऐसे कर रहे हैं भाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई। आइस देख के लग रहा होगा कि अच्छी खासी थकान हो गई है भाई, अपनी बियर्ड भी नहीं अटवा पाया, मुझे समय नहीं मिला। तो यार आज की रात अयोध्या में जय श्री राम, और भाई कल सबसे पहले उठ के जाएंगे। आज हम लोग रुके इसीलिए, आपा का एक तो काम नहीं हुआ, लेकिन वो काम मेरा जरूरी नहीं था, वो फ़ोन से हो जाता, लेकिन रुके इसलिए क्योंकि आज मंदिर सारे बंद थे। कल जाके जितना जल्दी हो पाएगा जो मंदिर जा पाएंगे जाएंगे, फिर कल ही फिर लखनऊ भी निकलना है। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। तो लाइक कमेंट और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसी बॉडी चल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।